45 किलोमीटर चलान। एकदम जबरदस्त व्यू। फाइनली हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मपुत्र। इसमें जो सर्दी और हमने था ना, यही था गुरुद्वारा। फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा ना, वो बहुत ही खराब रहा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। और रात में हम यहाँ रुके हुए थे, कुछ आश्रम टाइप का था गुरुजी का, तो यहाँ रुके हुए थे। वहाँ पे लगाए थे हमने सबने अपने अपने टेंट। मेरे टेंट आधे टेंट पैक हो गए हैं और सामान वामान कर पैक हो गया है। अभी साइकिल पे रखेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। टाइम हो चुका है, 7:30 और अभी निकलेंगे गुवाहाटी के लिए। गुवाहाटी है यहाँ से 96 किलोमीटर, तो काफ़ी हार्ड होने वाला। आज मुश्किल ही पहुँच पाएंगे हम। देखते हैं कहाँ तक हमें पहुँचते हैं, तो बने रहेगा इस व्लॉग में देखने के लिए हमारी इस जर्नी को। तो चलिए मिलते हैं यहाँ से थोड़ी देर में। ये था वो जगह जहाँ हम रुके थे रात में। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से बाहर। और देखो हाईवे है ना ऊपर से, यहाँ भी सब ऊंचाई पे बने हुए हैं, तो ऊपर चढ़ाते हैं अभी साइकिल को हम। देख सकते हैं आप बोर्ड, नलबारी 17, रंगिया 38, गुवाहाटी अभी भी 80 किलोमीटर है यहाँ से। ये बोर्ड का कभी चक्कर समझ में नहीं आता। मंदिर था वहाँ से निकल के हम 10-15 किलोमीटर आ गए नलबारी। अभी भी यहाँ से ना 17-18 किलोमीटर बाकी है। और नीचे एक छोटी सी रिवर थी और ब्रिज के ऊपर अभी खड़े हुए हैं। यहाँ पर देखो पेड़ थे, छोटे छोटे अमरूद लगे हुए हैं यहाँ पर, कच्चे हैं अभी। और जो थे ना ठांडा और नितिन, वो पता नहीं किधर रह गए पीछे, अभी तक आए नहीं। उनका वेट कर रहे हैं हम। और अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, भूख लग रही है। और कितने बजने वाला है, 9:30 बज चुका है। देख रहे को ब्रेकफास्ट के लिए भी जगह मिले तो, पर यहाँ पर कुछ लग नहीं रहा कि ब्रेकफास्ट वगैरह का कुछ है यहाँ पर जगह। अभी मिले हमें एक भाई जो कि पैदल, भैया पैदल कर रहे हो आप? अरे वाह, देखो भाई हम साइकिल से, भैया मिले हैं पैदल कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट पूरा, नॉर्थ ईस्ट ऑल इंडिया, पूरा पूरा ऑल इंडिया कर रहे हैं भैया। कितना दिन हो गया भैया? 63। तो भाई देखो हम जो साइकिल से कर रहे हैं, भैया पैदल कर रहे हैं। देखो भैया को भी सैल्यूट है हिम्मत के लिए। भाई नलबारी सिटी में पहुंच गए, सिटी आ गए, सिटी से थोड़ा आउटसाइड है। और यार भूख लग रही थी जबरदस्त, क्योंकि बिना ब्रेकफास्ट करे निकले थे ना। और कम से कम हमने 27 किलोमीटर चला लिए खाली पेट बिना कुछ खाए, तो यार अब चलाना मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे एक आंटी की दुकान देखी छोटी सी, तो यहाँ पर खा रहे हैं अभी हम रोटी सब्जी। यहाँ पे ना, यहाँ पे रोटी सब्जी एकदम सबसे बेस्ट है। सब्जी मिलती है आपको, आलू गोभी, आलू मटर और रोटी। यहाँ पे रोटी का चार्ज लगता है 10 रुपये, सब्जी आप कितनी खा सकते हो, यानी दो रोटी खाओगे 20 रुपये, 3 रोटी खाओगे 30 रुपये, सब्जी फ्री रहती है। काफ़ी अच्छा है ना ये, वैसे अगर ढाबे वगैरह में खाओगे तो कॉस्टली पड़ता है। यहाँ पर है ना आंटी बना रही है रोटी हमारे लिए और आलू मटर की सब्जी है, तो आज मज़ा आएगा खा के, काफ़ी अच्छा लगता है रोटी और सब्जी। तो आप अगर कभी ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं ना, तो ऐसी आपको छोटी शॉप, छोटी दुकान, ढाबे वगैरह मिले ना यहाँ पे, तो वहाँ पे ज़रूर खाइए। तो बड़ी जगह तो सभी लोग खाते हैं ना, तो यहाँ पे खाएंगे तो इन लोगों को भी ना फ़ायदा होता है कुछ, इनका भी रोजी रोटी चलती है, इनका भी अर्निंग का सोर्स यही होता है ना। तो ऐसी जगह पर मोस्टली आप खाना खाइए। और सबसे अच्छी बात होती है ना, लोकल लोगों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा, बात करने का मौका, कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखो आंटी काफ़ी अच्छी हैं, तो उनसे थोड़ा लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है बैरियर, क्योंकि उनको असम ही जाता है उनको हिंदी, तो बस थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तो चलिए वेट कर रहे हैं खाना बनने का, और खाना बनते ही करेंगे यहाँ पे अपना लंच, ब्रंच हो जाएगा, ब्रेकफास्ट तो हुआ नहीं, ब्रेकफास्ट और लंच दोनों हो जाएगा साथ में। तो वही आ गया अपना रोटी और ये आलू मटर की सब्जी। और रंगिया नाम से कोई छोटा सा सिटी है ये, और लेफ्ट हैंड पे रेलवे स्टेशन। फाइनली पहुंच गए इनके पास, आगे निकल गए थे। तो गाइस गुवाहाटी यहाँ से है 48 किलोमीटर, और अभी टाइम हो चुका है 2:00, तो यानी तीन घंटे में हमें 45-50 किलोमीटर चलाना होगा, आज राइड करना होगा, जो कि काफ़ी टफ होने वाला है, क्योंकि खाली साइकिल से तो हो सकता है लेकिन लोड साइकिल से ना बहुत मुश्किल है। तो क्या बोलते पब्लिक, हो जाएगा कम्प्लीट, हो जाएगा? तो आज लगाते हैं गुवाहाटी, चाहे रात हो, तूफान आए, आंधी आए, आज गुवाहाटी, आज गुवाहाटी। पीछे था टोल रोड और सामने हमें माउंटेन्स दिखने लगे हैं गुवाहाटी वाले। और गुवाहाटी यहाँ से बच्चा अभी 30 किलोमीटर, और टाइम हो चुका है 3:00, यानी 2 घंटे हमारे पास, करते हैं कवर। अब हम माउंटेन्स के बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं, हम ब्रह्मपुत्र नदी को क्रॉस करेंगे हम, जो कि काफ़ी लंबी है। तो गुवाहाटी अभी यहाँ से 25 किलोमीटर, और अमीन गाँव 11, गौरीपुर 6।
से यहाँ पर वही स्कूल की बच्चों की छुट्टी हुई। तो गए जब मेन रोड से ना इधर आ गए थे, भैया मिले वो कुछ लेके आए थे चाय कॉफ़ी पिलाने के लिए, तो अंदर आ गए थे ब्रिज से, खड़ी कर दी अपनी साइकिल यहाँ से। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र वाला जो ब्रिज है ना वो 10 किलोमीटर है, और यहाँ से गुवाहाटी बचा है 25 किलोमीटर। और यहीं भी पास में स्कूल था, तो स्कूल की छुट्टी हुई है, बच्चे वगैरह जा रहे हैं यहाँ से। और टाइम हो चुका है अभी 3 बजे से ऊपर हो चुका है, 3:15, तो देखते हैं कवर कर लेंगे आसानी से वहाँ से। थैंक यू भैया, काफ़ी टाइम बाद कॉफ़ी पी रहा हूँ। नहीं तो चाय मिलती रहता था, चाय के साथ में है समोसा और रसगुल्ला। सामने देख सकते हैं सनसेट होने वाला है माउंटेन्स के पीछे, और पता नहीं ब्रह्मपुत्र वाला जो ब्रिज है वो कितनी देर में आएगा। एकदम ज़बरदस्त व्यू सामने है, बड़ा वाला माउंटेन। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मपुत्र के उस वाले ब्रिज पर, जो कि ऊपर इसमें व्हीकल चलते हैं, नीचे ट्रेन, और एक काफ़ी लंबा ब्रिज है, इसके है रेलवे लाइन और ऊपर चलते हैं व्हीकल। और ये इससे भी एक और बड़ा ब्रिज है, वो भी असम में ही है, 9 किलोमीटर, वो लॉन्गेस्ट ब्रिज है इंडिया का, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है। और नीचे हमारे जा रही है ट्रेन, और ये ब्रिज काफ़ी हिल रहा है। और ये देख सकते हैं ये है गाइस ब्रह्मपुत्र नदी। तो अभी इसमें जो सर्दियों का टाइम है तो पानी बहुत कम है, नहीं तो इसमें यहाँ ऊपर तक पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। देख सकते हैं आप यह ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये देखिए कितना लंबा दिख रहा है, यहाँ से भी बोले हैं सर ने, बोला कि साइकिल ले जा सकते हो आप। और देखिए इसमें शिप्स फेरी वगैरह काफ़ी चीज़ें, बड़े बड़े शिप इसमें खड़े हैं जो कि चलते हैं यहाँ पर, और पानी अभी बहुत कम है। तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं इस ब्रिज को, और बता रहे हैं काफ़ी पुराना ब्रिज है, कई साल पुराना, आई थिंक 72 में बना था ये। तो गुवाहाटी एयरपोर्ट यहाँ से 13 किलोमीटर, शिलोंग है 105 किलोमीटर, और गुवाहाटी सिटी है सीधे अंदर। हाँ, से हमने ले लिया नीचे वाला टर्न जो कि जाता है गुवाहाटी सिटी के अंदर, तो अभी हमें ढूंढना है गुरुद्वारा जहाँ पे हम रुकेंगे। तो चलिए चलते हैं अंदर, पता नहीं कितना दूर है वो अभी, और बाबा जी और वो नितिन था वो रह गए पीछे कई किलोमीटर। हमारे बराबर में स्क्वायर मॉल ऑफ गुवाहाटी, काफ़ी बड़ा मॉल लग रहा है ये। कल करेंगे अच्छी तरह से सिटी को एक्सप्लोर, गुवाहाटी को। वो देखिए सामने आपको देख रहे हैं माउंटेन, तो माउंटेन्स पे भी घर बने हुए हैं, और यहीं है फेमस कामाख्या देवी मंदिर, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस फाइनली वी आर नाउ इन गुवाहाटी, तो गुवाहाटी हम आखिर पहुंच ही गए। जहाँ से हम निकले थे ना गुवाहाटी, वहाँ से 105 किलोमीटर था, तो हमने नॉन स्टॉप साइकिल चलाया, 7 घंटे में हम गुवाहाटी पहुँच गए। सिर्फ एक बार रुके थे लंच करने के लिए, और उसके बाद हमने नॉन स्टॉप साइकिल चलाया ना, बिना रुके चलाते रहे, जो काफ़ी हमारे लिए डिफ़िकल्ट था, पर हमने पॉसिबल कर दिखाया। तो आज सबसे ज़्यादा राइड की हमने ना, काफ़ी थक गए, हम पहुँच गए थे आधा घंटा पहले, तो बाबा जी और नितिन काफ़ी पीछे रह गए, तो उनका वेट कर रहे हैं अभी हम। उसके बाद हम ढूंढेंगे गुरुद्वारा या कोई भी रुकने की जगह हमें मिलती है तो। और ये है ऐसा कुछ गुवाहाटी सिटी, तो अभी एक्सप्लोर कराएंगे आपको कल अच्छे से गुवाहाटी सिटी। तो फिलहाल हम यहाँ रुके हुए हैं, टाइम हो चुका है अभी 5 बजने वाला है। तो आज यार हमने ना काफ़ी तेज़, सबसे ज़्यादा तेज़ साइकिल चलाया, और सबसे ज़्यादा पता है क्या, हम इस डिस्टेंस को और जल्दी कवर कर सकते हैं, लेकिन जो साइकिल पे जो वेट होता है ना 50 kg, उसके साथ राइड करना बहुत मुश्किल होता है। तो बने रहिए इस ब्लॉग में लास्ट तक, जो भी होता है जहाँ हम रुकते हैं आपको दिखाएंगे पूरा। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस जी वो सामने वाली रोड है ना, उसमें जाना है, वहाँ पर है गुरुद्वारा। यार बहुत ट्रैफिक है भाई इधर तो। तो गाइस गुरुद्वारे के ऑलमोस्ट पास पहुँच गया, यहाँ पे ट्रैफिक ना बहुत है यार, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा। कौन सा बाजार थे? पता नहीं जी बाजार। कौन सा? फैंसी बाजार भाई। तो भाई ये था सामने था ना, यही था गुरुद्वारा। तो अभी पूछते हैं इसके अंदर, काफ़ी खूबसूरत सजाया हुआ है। तो गाइस बैठ लग गया ना, कहीं पे भी रूम नहीं मिल रहा यार, धर्मशाला में मना कर दिया गुरुद्वारा में भी, और होटल वाले भी मना कर रहे हैं। हाँ
तो भाई यहाँ पर मिली है जगह, देखते हैं कैसी है। एक तो भाई गुवाहाटी में आने के बाद ना एक्सपीरियंस जो गुवाहाटी का रहा वो बहुत ही खराब रहा, बहुत ही खराब ना, बहुत बहुत बुरा। आज तक हमारा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा ना आने के बाद यहाँ पे। एक तो पहले देखो धर्मशाला में, धर्मशाला में मिला, होटल में भी मना कर दिया, फिर एक जगह मिला है बहुत ही मतलब बेकार सा, खराब से मान सकते, एक जगह मिल गई है रुकने के लिए बस। तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी साइकिल वाइकिल चोरी का खतरा है, ये वो पता नहीं क्या क्या यार बोल रहे हैं कि बहुत मतलब क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आता। अभी तो खाना खाने आए हुए हैं, बाकी बताएंगे आपको क्या क्या हुआ। जो भी आसाम से हो, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ के लोग ना बड़े मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। आपको फिलहाल खाना खाते हैं यहाँ पे, खाना खाने के लिए रुके हुए हैं। सो गाइस हम अपने जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर हमें रुकने की जगह मिली। ये कुछ ऐसा था रोड पे, नीचे मेन रोड है और ये कुछ धर्मशाला टाइप का था, तो ऐसा रूम था इसका। यहाँ पे हमने टेंट लगा लिया, मच्छर इतने ज्यादा है ना, सिलीगुड़ी से भी ज्यादा मच्छर है, उम्मीद नहीं थी गुवाहाटी में इतने मच्छर होंगे। और जो हमारा गुवाहाटी का फर्स्ट एक्सपीरियंस रहा ना वो बहुत ही खराब रहा, कुछ लोगों की वजह से और कुछ बता नहीं सकते। बस हम गोवा आज तक हमारे अभी तक के ट्रिप में ना ऐसा एक्सपीरियंस हमारा नहीं रहा जैसे गुवाहाटी में रहा। कल देखते हैं कल कैसा एक्सपीरियंस रहता है, अभी तक तो खराब रहा बहुत ज़्यादा। जो भी है चलो जो भी हुआ अब क्या कर सकते हैं ना। तो अभी यहाँ पे रुकने की जगह मिल गई, रात को सुबह बोल दिया कि यहाँ से जाना होगा दूसरी जगह, देखेंगे सुबह कहाँ मिलती है हमें। तो फिलहाल रात काटते हैं यहाँ पे, करते हैं वीडियो एडिटिंग, दोनों टेंट लगा लिए। क्यों भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस? भाई अभी बताऊंगा नहीं भाई, बताऊंगा नहीं भाई, बहुत बेकार है। हाँ, बता नहीं सकते क्योंकि सही नहीं होता है, रुकने का ही दिक्कत है भाई, इतना ना मतलब देखो गुवाहाटी में साइकिलिस्ट का कोई इज्जत ही नहीं है भाई। हाँ। यहाँ पे खुद की इज्जत है उन लोगों का, मतलब ये समझ लो कि अगर थोड़ा जगह साइकिल रोड पे खड़ा कर दिया अरे साइकिल हटाओ यहाँ से, मतलब लोग इतने गंदी तरह से बात कर रहे थे ना कि क्या अब बोल नहीं सकते ना। अभी तक आसाम में ना इतने अच्छे लोग मिले हमें, फ्रेंडली वगैरह ना, हम गाँव वगैरह से बोले कि सिटी में ऐसा खराब बिहेवियर मिलेगा हमें पता नहीं था यार, पता अजीब अजीब था। सॉरी बुरा मत मानिएगा जो भी लोग हैं गुवाहाटी के, क्योंकि सभी लोगों के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन हमको जो मिले ना वो ठीक नहीं मिले। तो बस बाकी देखते हैं कल कैसा एक्सपीरियंस रहता है, वो भी आपसे शेयर करेंगे कल कहाँ जाते हैं हम। और अभी देखो नहाए भी नहीं है यहाँ पे ना, जहाँ रुके हैं यहाँ पे नहाने की व्यवस्था नहीं, तो कल कहीं अच्छी जगह रुकेंगे फिर वहाँ देखते हैं नहाने वगैरह का। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।